नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टैक। दोस्तों आज की वीडियो हमारे पास में ड्यूलो स्टार्टर रिपेयरिंग। ड्यूलो स्टार्टर रिपेयरिंग हम किस प्रकार से करते हैं दोस्तों? मेरे पास में दोस्तों वेंटेक्स का स्टार्टर है, जिसका हम किस प्रकार से रिपेयरिंग करते हैं, कोइल टेस्टिंग करते हैं इसका, कौन से कॉन्टैक्ट पर कौन सा नहीं चलता है, स्विच खराब है या फिर कंडक्टर खराब है या फिर क्या मिस्टेक इसमें, उसका पूरा टेस्टिंग इसी वीडियो में दोस्तों मैंने बताया है। तो दोस्तों आपको वीडियो को बिना स्किप के देखना है और पूरा वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये स्टार्टर आप देख रहे हो, जिसका बेसिक नॉलेज दे देता हूँ आपको, जिसमें आप देख रहे हैं 9 टर्मिनल हैं दोस्तों। ये मैन इन टर्मिनलों में दोस्तों जो बीच के टर्मिनल हैं दोस्तों, जिसपे लिखा है L1, L2, L3, वो हमारी मेन लाइन है, मतलब जो ट्रांसफार्मर से जो लाइन आती है वो लाइन है दोस्तों इसमें। और उसके आसपास में दिख रहे हैं जो दोस्तों वो है समरसेबल के केबल के लाइन। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पास में L1, L2, L3 है, जो इसमें हमें 220 सप्लाई का न्यूट्रल फेज L1 में और L3 में दे देना है। उसके बाद में आप इसको बिना 3 फेज के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टार्टर प्रेस करने पर चलता है तो मतलब ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये 3 स्विच का टर्मिनल दोस्तों, नीचे की साइड में आप देख रहे हैं ये कंडक्टर है दोस्तों। जैसे मैं ग्रीन को प्रेस करता हूँ तो दोस्तों ये दोनों कंडक्टर चलते हैं, मतलब पहला कंडक्टर और तीसरा कंडक्टर चलता है। लेकिन मैं डीएलओ को डेल्टा को जब मैं प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये बीच का कंडक्टर नहीं चल रहा, जबकि ये भी चलना चाहिए। तो दोस्तों इस कंडक्टर में प्रॉब्लम क्या है, मैं ये कंडक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक सीरीज लैंप से जो इसके अंदर को जो कोइल वाइंडिंग की होती है दोस्तों, उन कोइल वाइंडिंगों को हम टेस्ट कर रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट बिना स्विच के, हम इसको बिना मेन सप्लाई के सीरीज लैंप से 220 के जो सीरीज लैंप बनता है उसी से हम इसको चेक करते हैं। यदि कॉन्टैक्टर चलता है तो दोस्तों इसका मतलब हमारे कॉन्टैक्ट तो ठीक है, लेकिन और कोई मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको चेक करके बताता हूँ आपको इसको। तो दोस्तों कोइल से कोइल को हमें चेक कर लेना है, तो मैं दोस्तों इसको चेक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये डेल्टा जो चल रहा है इससे चेक कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए ये भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये आपको चेक कर लेना है, सारे कॉन्ट्रैक्टर को चेक कर लेना है। जैसे कि आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग नहीं करता है तो इसका मतलब स्विच जो अंदर कोइल होती है वो ख़राब है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठीक बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो ये L1, L2 और B1, BC जो ब्लैक प्लेट दिख रहे दोस्तों, इसके अंदर जो पत्तियाँ लगी होती हैं वो देख लें आप वहाँ से, या फिर आपका जो स्विच है वो भी चेक कर लें दोस्तों। दोस्तों अभी तक मुझे इसमें कुछ पता नहीं लगा कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने जो नीचे से कॉन्ट्रैक्टर चेक किए थे वो ठीक है। अब दोस्तों मैं इसका जो डेल्टा स्विच है वो मुझे पता लगा कि ये ख़राब है, तो मैं दोस्तों इसका डेल्टा स्विच है ख़राब है तो इसका डेल्टा स्विच मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों डेल्टा स्विच को चेक करने के लिए हमारा सीरीज लैंप से जो जो दो टर्मिनल होते हैं स्विच में, उन दोनों टर्मिनल को देख लें कि उसमें लैंप जलता है नहीं जलता है। यदि लैंप जलता है तो वो ठीक है, और उसको प्रेस करने पर लैंप बंद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो ये स्विच है, मैंने इस स्विच को चेंज कर लेना है दोस्तों। ठीक है, जैसे ही मैं स्विच को चेंज करता हूँ दोस्तों, तो ये मेरा जो वर्कर है स्टार्टर है जो प्रॉपर वर्कर करता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आप इसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।